हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है मेरे यदुवंशी ब्लॉग 0304 चैनल पर। तो एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं पराठों की, और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। और ये मेरा कई दिन पहले का बना हुआ वीडियो रखा हुआ है, बनाया था तो वीडियो बना लिया था और वॉइस ओवर करके एडिट करके आज अपलोड कर रहे हैं। तो थोड़ी आवाज़ इग्नोर करिएगा, आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। तो ये है आलू के पराठों की रेसिपी। सांस भी मेरी फूल रही है लगातार बोलने की वजह से। आलू के पराठों की रेसिपी जो थोड़ी अलग तरीके की है, मेरे चैनल पे वैसे भी आलू के पराठे की एक दो रेसिपी पड़ी हैं लेकिन ये थोड़ी अलग थी तो हमने आप लोग के साथ शेयर करना चाहा इसको। आप लोग भी चाहें तो इस तरीके से आलू का पराठा बना सकते हैं। तो ये थोड़ी नई, मेरे लिए तो नई है, आप लोग के लिए बहुत से लोगों के लिए नई होगी, तो नई शेयर कर रहे हैं। थोड़ा अलग तरीके का आलू का पराठा शेयर कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर इन्जॉय करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। हर घर में थोड़ा अलग अलग तरीके से बनता है। तो ये थोड़ा इसमें अंदर का जो मटेरियल है उसमें थोड़ा चेंज किया है तो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो और आलू के पराठे तो इस मौसम में सभी को पसंद आते हैं। और ये क्या है, ये थोड़ा जो आलू बच जरूर जाता है थोड़ा बहुत, तो ये उसकी टिक्की बना दी थी तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। जब बच जाता है तो उसकी टिक्की ज़रूर लास्ट में डाल देते हैं। और अक्सर मटेरियल बच जाता है, आटा नहीं बचता लेकिन आलू ज़रूर बच जाता है। बताइएगा आप लोग के भी घर में बचता है कि नहीं। तो इस तरीके से बनाया है आलू का पराठा और बहुत बढ़िया बना था। जो इस तरीके से बनाएंगे तो आपके फटेंगे भी नहीं आलू के पराठे अगर मेरी तरीके से बनाएंगे। और अंदर जो मटेरियल भरेंगे, मतलब जो आलू के पराठे का अंदर का जो आलू रहता है वो भी अच्छे से भर जाएगा। तो फिर आइए मेरी किचन में, आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आप लोग को बताते हैं किस तरीके से। तो ये आलू उबाल के रख लिए थे तो आप लोग ये देख रहे हो ये छोटे आलू कटे हुए कैसे। तो मेरी आदत है जो बड़े आलू रहते हैं उनको हम कट करके उबालते हैं तो जल्दी उबल जाते हैं, और ऐसे बड़े बड़े उबालो तो बहुत सीटियाँ करानी पड़ती तब उबलते। तो इसको दो पीस में, तीन पीस में कर देते हैं, दो सीटी में आलू उबल ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैशर से मैश कर ले रहे हैं क्योंकि गर्म है ना आलू, हाथ से फोड़ेंगे तो हाथ जलेगा, तो इसलिए मैशर से इस तरीके से आलू को मैश कर लेंगे। और आज कद्दूकस नहीं किया है आलू को क्योंकि पराठे वाले आलू ज़्यादातर कद्दूकस नहीं करते क्योंकि वो थोड़े से उसमें वो अजीब सा गीला हो जाता है कद्दूकस पे, और मैशर से नहीं होता है। और अब इसमें देखिए क्या क्या डालेंगे। तो ये है एक बड़े साइज के प्याज, और आलू के हिसाब से आप प्याज डालें। अगर आपको प्याज नहीं खाना तो आप प्याज ना डालें, नहीं तो ये थोड़ा प्याज बहुत अच्छा लगता है। और ये है अदरक, एक डेढ़ इंच का टुकड़ा था कद्दूकस करके रखा है। और हरी मिर्च तीखा आप अपने हिसाब से डालिए, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये खूब सारा हरा धनिया, आज ठंडी का मौसम है तो इन्जॉय भी होता है ना। और ये मसाला, इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर है, सब बराबर बराबर मात्रा में लेके और भून के पीस लिया है। आप पाउडर भी चाहो तो भून के मिक्स करके रख लो, मेरे पास ऐसे ही एक दो डिब्बी बना के रखे रहते हैं, दो तीन मसालों की ऐसे मिक्स डिब्बी बना के रख लेते हैं जो काम आती, बहुत काम आती झटपट से बनाने में। और ये स्वाद अनुसार नमक, अभी इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, आलू का मसाला तैयार करेंगे। और ये आलू का मसाला आप देखिएगा बहुत यम्मी बनता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। हमने एक दो वीडियो और भी डाले हैं आलू के पराठे हैं, पिछले साल में शायद डाला था हमने, वो थोड़ा अलग था आलू का पराठा। और ये अलग है आलू का पराठा, तो एक एक सा सेम बनता भी नहीं ना घर में, सेम सेम हो जाता है तो थोड़ा चेंज करिए तो स्वाद में भी अंतर हो जाता है। तो इस तरीके से मसाला तैयार हो गया आलू का, और अब लगाएंगे हम लोग आटा। तो आटा लगाना तो सबको ही आता है लेकिन दिखा देते हैं, वीडियो है तो उसमें पूरा प्रोसीजर दिखाना पड़ता है। तो आटा आप आलू के हिसाब से, जितना आपका आलू का मसाला है उस हिसाब से आप आटा लगाएंगे। तो उस हिसाब से हमने तीन चार कप आटा अपना ले लिया है। और अब आटे में भी जाएगा नमक, नमक उसी हिसाब से डालिएगा जैसे बताते हैं क्योंकि आलू में भी था उसमें भी। तो नमक मेरे आटे में हम ज़रूर डालते हैं, कोई भी पराठा बनाते हैं नमक ज़रूर डालते हैं।
इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब जाएगा इसमें तेल, तेल रिफाइंड ऑयल है। आजकल रिफाइंड ऑयल की मेरी रेसिपी आ रही है। असली बात ये है कि मेरे यहाँ राई का तेल ख़त्म हो गया है, तो रिफाइंड ऑयल ही ज़्यादा यूज हो रहा है। दोनों तेल रहता है, कभी राई कभी रिफाइंड, तो भूल जा रहे हैं मंगवाना, तो रिफाइंड ऑयल ही यूज कर रहे हैं। इधर दोनों तेल रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, अब इसको पानी के साथ अच्छे से एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। और ये जो पराठे का डो बनाते हैं ना, इसको बिल्कुल सॉफ्ट लगाइए तो आपके पराठे कभी नहीं फट के आलू बाहर आएगा। और अगर डो थोड़ा सख्त हुआ ना तो फट जाएगा पराठा। आप फिर कितना भी बढ़िया बनाओगे, कितना कम भी उसमें आलू भरोगे तो भी वो फट जाएगा। तो ये मेरी एक टिप हो गई छोटी सी आप लोगों के लिए, जिनके पराठे फट जाते हैं। और फिर जब आटा तैयार हो जाए ना लग के, तो ऐसे थोड़ा सा एक चम्मच तेल हाथों में लेके इस तरीके से आटे को लगा के मसल दें आटे को अच्छे से, तो आटा बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट हो जाता है, तो जिससे पराठे बनाने में और आसानी होती है। तो बस इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया था आटा, ताकि और सॉफ्ट हो जाए और सेट हो जाए अच्छे से। आटा सेट हो जाता है तो पराठे फटते नहीं हैं, अच्छे से बनते हैं। और अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से भर भर के पराठे बनाएंगे। तो ये लिए आटा, मेरा पराठे में ज़्यादातर आटा मेरा बहुत कम रहता है, अंदर की स्टफिंग बहुत भरी रहती है। तो ये मेरे सबको बहुत पसंद आता है कि मटेरियल ज़्यादा रहता है अंदर। तो इस तरीके से देखिए आटे की ऐसे बनाएंगे, और इसमें भर देंगे आलू का मसाला। ये देखिए कितना सारा, कितनी पतला सा आटा कर दिया है ना, वो जो एक कटोरी जैसे बना देते हैं। अब ये खूब भरा हुआ बना, बिल्कुल पतली सी लेयर दोनों साइड रहती है आटे की, बाकी मसाला ही भरा रहता है। तो इस तरीके से आप बनाइए, आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे और घर वाले खा के खुश हो जाएंगे, अच्छे बनेंगे। नहीं तो फिर फटने की वजह से आप कम मटेरियल भरते हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है आलू के पराठे खाने में। तो इस तरीके से हल्के हाथ से बेलेंगे, और जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बेल दीजिए, और लेयर बिल्कुल पतली आएगी आटे की, और पराठा भी पतला रहेगा लेकिन हाँ आलू बहुत रहेगा। तो देखिए इस तरीके से इतना बड़ा पराठा मेरा बन के तैयार। आज थोड़ा बड़ा हो गया पराठा, वैसे छोटे छोटे बनते हैं लेकिन आज थोड़ा बड़ा हो गया पराठा। तो इस तरीके से आपको पूरा आज बेल के दिखा रहे, जल्दी में दिखाते नहीं बेल के, तुरंत थोड़ा सा बेल के फिर सेकना दिखाने लगते हैं। आज पूरा प्रोसीजर दिखा रहे हैं, भरपूर वीडियो बनाया है बड़ा। और मेरा चढ़ गया लोहे का तवा, पराठे हमको लोहे के तवे में अच्छे लगते हैं। भले कितना पुराना मेरा तवा है लेकिन इसके पराठे नॉन स्टिक से बहुत अच्छे लगते हैं। नॉन स्टिक में जल्दी पराठे नहीं बनाते, रखा है तवा लेकिन बहुत कम यूज़ करते हैं। लोहे का ही लोहे के ही तवे पे पराठे बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। एक सोनापन ज़्यादा अच्छा आता है, जो जो लोहे के तवे का पराठा बनाता है वो उनको तवे पे, उनको पता होगा कि सोनापन बहुत अच्छा आता है लोहे के तवे पे, इतना नॉन स्टिक में नहीं आता है। तो इस तरीके से तेल लगा के बढ़िया से सेक देंगे दोनों तरफ से खूब क्रिस्प, और दबा दबा के पलटे से फैला के बढ़िया से सेकेंगे ताकि क्रिस्पी सा और गोल्डन कलर आए अच्छे से। तो देखिए बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ गया, और हर तरफ से चित्तियाँ जब पड़ जाती हैं ना पराठों में तो बहुत अच्छी लगती हैं, जब सिक जाता है और गोल्डन गोल्डन सी ब्राउन सी चित्तियाँ पड़ जाती हैं पराठों पे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है पराठा। तो इस तरीके से हमारा एक पराठा बन के तैयार हो गया, और जो दबा दबा के सेको ना तो उससे क्रिस्प हो जाता है। तो ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, आ जाइए खाने के लिए। तो इस तरीके से पराठे बन के तैयार, ये दूसरा पराठा डाल दिया, ये दूसरा भी बन के तैयार, और इसमें ज़्यादा ही मटेरियल भर दिया था हमने। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल बन के तैयार है पराठे, और देखने में इतने मोटे लग रहे, सब आलू ही आलू भरा हुआ है। और एक टिक्की बच गई थी तो उसकी टिक्की बना दी आटे वो आलू की। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और मेरी रेसिपी आप लोग को पसंद आ रही है क्योंकि व्यूवर्स वापस आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग लौट रहे हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, यम्मी सी एक और रेसिपी आप लोग को देंगे, और कोशिश करते हैं हर रोज़ रेसिपी दें, तबीयत नहीं ठीक है फिर भी वॉइस ओवर करके आप लोग को रेसिपी दे रहे हैं बना बना के, ताकि आप लोग भी अपने घर में इंजॉय करें, ठंडी का मौसम है।
तो ठंडी के मौसम में पराठे और तली भुनी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। गर्मी में वैसे इतना कोई नहीं खाता, ठंडी में सब इंजॉय करते हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से पराठा, और जो ऐसे बनाते हैं वो लोग बताइएगा भी कि वो लोग ऐसे बनाते हैं। तो और जो लोग ऐसे नहीं बनाते उनके लिए तो न्यू रेसिपी है, तो वो लोग ज़रूर इन्जॉय करें। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको नई नई रेसिपी मिलती रहे। जैसे आप लोग करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रेसिपी देख सको। तो फिर एक नई यम्मी सी रेसिपी लेकर आप लोग को फिर शेयर करेंगे। मेरी सांस फूल रही है बोलते बोलते लगातार, तो प्लीज़ इग्नोर करें। और फिर मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।